वैद्य जब गए दरवाजे पे हाथ का दे झोला रानी ने पास बुला पहली कली में मेरे हृदय की गति बिगड़ी दिल धीरे में चाले से मेरे हृदय की गति बिगड़ी दिल धीरे से चाले से मेरा अवरुद्ध कंठ हुआ कोई फंदा सा देखा। आइए क्या देखा रानी ने क्या राजा को समझाया सुनेगा दूसरी कली में
उसे अपने महल के अंदर देखा कि उस दृश्य को देख करके मेरा दिल अंदर तक हिल चुका है। महाराज मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं रूप और बसंत, मेरे बाद में आप उनकी देखरेख करना क्योंकि पता नहीं कब मेरे प्राण निकल जाएं। रानी ने क्या राजा को समझाया सुनेगा तीसरी कली में। सुगढ़ हंस का जोड़ा किया सोरे सपरत में ऐसा सुगढ़ हंस का जोड़ा पिया तुम शादी मत करना मैंने इनसे दामन छोड़ा पिया तुम शादी मत करना मैंने इनसे दामन छोड़ा यूं कह रानी ने दम तोड़ा खेलते सब जिंदगानी में गए दरवाजे पे हाथ कद झोला रानी ने पास बुला लिए राव पास बुला लिए राव ओ राज भाई क्या बात है ₹5100 किसान खाद भंडार की तरफ से पार्टी के लिए विपिन भाई जी ₹5100 का पुरस्कार देते हैं। तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए श्रोताओं, जब इतनी बातें रानी राजा को समझा रही थी कि महाराज मेरे मरने के बाद मैं दूसरी शादी मत करना क्योंकि पता नहीं मेरे बच्चों की दूसरी माँ कैसी हो, मेरे बच्चों को किस हाल में रखे, कैसे रखे, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसके मरने के बाद में उसके बच्चे दुखी रहें। रानी ने राजा को इतनी बातें समझाई और समझाते समझाते रानी ने दम तोड़ दिया। आइए अंतिम कली में क्या लिख दिया। सचमुच का कवि होता गुरु शरणदास कह जो मैं सचमुच का कवि होता दुख भरी कहानी को मोती की तरह पिरोता दुख भरी कहानी को मोती की तरह पिरोता ऐसे सुथरे आखर तोहता लोग सब दंग हैरानी में सुनते कर पास बुला लिए वैद्य जब गए दरवाजे